नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल मुफ्त ज्ञान गुरुजी में। दोस्तों, हमारे देश में तरह तरह के घास, तरह तरह के वनस्पतियां पाई जाती है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है। तो हम लोग समझते हैं कि बेकार का घास फूस होगा तो उखाड़ करके फेंक देते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप इनके औषधीय गुणों के बारे में जान जाते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे दूधी घास के फायदों के बारे में। दोस्तों, इस घास को आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। यह घास खेतों, बगीचों या सड़क के किनारे या फिर खाली पड़े ज़मीन में नज़र आता है। इसको दूधी घास के नाम से जाना जाता है। इसे इंग्लिश में मिल्क एडज कहते हैं। दोस्तों, इसका अन्य नाम है नागा अर्जुनी, दुधेली, दोधक, सीरक, लाहन इत्यादि। इस घास का इस्तेमाल करके आप चेहरे से किल मुहांसों को दूर कर सकते हैं। अगर सर्दी खांसी की समस्या है तो सर्दी खांसी भी आप दूर कर सकते हैं। कमजोरी है, चलते फिरते हैं, थक जाते हैं, तो आप कमजोरी को दूर कर सकते हैं। गंजापन की समस्या है, अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में झड़ते हैं, आपके बाल टूटते हैं, आपके बालों की जड़ें कमज़ोर हो गई है, आपके बाल घने नहीं हैं, तो इसका इस्तेमाल करके आप बालों की हर एक समस्या को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस घास के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि इस घास का इस्तेमाल करने से दाद, खाज, खुजली दूर हो जाता है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों दोस्तों में शेयर जरूर से कर दें। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर सर्दी खांसी की समस्या हो जाए तो कैसे उसका इलाज किया जा सकता है। तो दोस्तों, दूधी घास के पाउडर के साथ दो दाने काली मिर्च और तुलसी मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से सर्दी खांसी नेचुरल तरीका से दूर हो जाता है। अगर कमजोरी की समस्या रहती है, शीघ्र पतन की समस्या रहती है, तो दोस्तों 100 ग्राम दूधी घास के पाउडर में बराबर मात्रा में पीसी हुई मिश्री मिलाकर आधा आधा चम्मच पानी या दूध के साथ पीने से कमजोरी दूर होती है। इसके साथ साथ अगर गंजापन की समस्या है, आपके बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं, तो दोस्तों दूधी घास के पत्तों का रस और कनेर के पत्तों का रस मिलाकर बालों में लगाने से बालों का झड़ना टूटना बंद हो जाता है, साथ ही आपके गंजे सर पर बाल भी उगने लगते हैं। इसके साथ साथ अगर किल मुहांसे की समस्या है, चेहरे पर पिंपल्स हैं, तो दोस्तों जैसे ही आप इस घास के पत्तों को तोड़ते हैं तो इसमें से दूध निकलता है। इस दूध को पिंपल्स वाले स्थान पर लगाएंगे तो पिंपल्स धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे और चेहरा खूबसूरत अच्छा हो जाएगा। तो आज की जानकारी में हमने आपसे बताया दूधी घास के फायदों के बारे में। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने मित्र दोस्तों में शेयर जरूर से कर दें। हम आपसे जल्दी मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।